हेलो नमस्कार एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्नोस्टिक। माय नेम इज़ लोकेश और हम कर रहे हैं 5000 प्लस वोकैब सीरीज़। ये है पार्ट थ्री। पार्ट टू और पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंशियस, जिसे कहते हैं चिंता, वरिड, ठीक है। ट्रबल, डिस्टर्ब, जिसे कहते हैं अनईजी, अफ्रेड। एप्रीहेंसिव का मतलब भी होता है अफ्रेड। डिस्ट्रेस, तनाव में, फियरफुल, नर्वस, टेंस, रेस्टलेस, ठीक है। शांति नहीं मिलना, कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है। चलते नेक्स्ट। अफेक्टेड, अफेक्टेड का ये काफ़ी सिंपल वर्ड है। प्रभावित जिसे कहते हैं अननेचुरल, जो हमारे माइंड में ही होता है, हम सोच लेते हैं, इमेजिनेटिव भी कह सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। सिमुलेटेड, जो कि फेक होता है, जैसे पायलट बनने से पहले उनकी उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो सिमुलेशन के थ्रू गुजरती है। वो पहले जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, उसके बाद वो रियल प्लेन चलाते हैं, तो वो क्या हो गया, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं। फेक, आर्टिफिशियल, फिगन, इनडिस्पोज्ड, अनविलिंग, अज्यूम, प्रटेंशियस, ठीक है। एग्जैजरेट मतलब कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के बोलना। ओवर स्टेटेड, इन्फ्लेटेड, जैसे इन्फ्लेटेड बलून्स होते हैं ना, उनमें हवा भर देते हैं, तो वही इनसिंसियर। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा है नेक्स्ट वर्ड अलार्मिंग, जिसे कहते हैं खतरनाक, टेरिफाइंग, थ्रेटनिंग, डिस्टर्बिंग। स्टार्टलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, फ्राइटनिंग, डिस्ट्रेसिंग, ड्रेडफुल, ठीक है, डरावना। डिसमे, डिसक्वाइटिंग, टॉन्टिंग का मतलब होता है हॉरीफाइंग, खतरनाक। तो ये है अलार्मिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एम्बियंस काफ़ी प्यारा शब्द है। एम्बियंस का मतलब होता है सराउंडिंग, माहौल, ठीक है, विसिनिटी, सर्कमस्टेंस, इन्वायरमेंट, मिल्यू, सेटिंग कहते हैं ना, ये वातावरण काफ़ी शानदार है, तो क्या हो गया, उसके एम्बियंस के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो। ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा है तो एम्बियंस आप कह रहे हो, ठीक है। हैबिटेट, टेरिटरी, मूड, क्वालिटी, फील, रेजिडेंस, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। असनाइन, एसनाइन, एसनाइन एक्चुअली क्या है, रूट वर्ब है, गधे को कहते हैं ना, डोंकी, जानवर, डोंकी नहीं, जो अपनी बुद्धि कम लगाता है किसी भी चीज़ में। फुलिश, एब्सर्ड, जो बेतुका, उसे कहते हैं एब्सर्ड, इडियोटिक, ल्यूडिक्रिस, मोरोनिक, पागलपन जैसा, रिडिकुलस, सेम है सिली, अनइंटेलिजेंट, सेंसलेस, क्रेजी। अब सिंपल माइंडेड, अब इसको आप गधा कहना हो, आप कहो सिंपल माइंडेड, तो आप पोलाइट वे में उसकी इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो है एसनाइन। चलते हैं आगे। एडेज, ये काफ़ी कमाल का शब्द है, कहावत जैसे कहते हैं, पर कहावत कोई भी कहावत नहीं, कहावत कौन सी, वाइज सेइंग, मैक्सिम, एक्सियोम, एफोरिज्म, डिक्टम, प्रीसेप्ट, प्रिंसिपल, प्लैटिट्यूड, ओल्ड प्रोवर्ब, स्टेटमेंट, मोटो, ट्रूइज्म, क्लीशे। अब जो चीज़ रिपीटेडली हो, और वो रिपीटेडली क्यों हो रही है, क्योंकि वो अच्छी है, ठीक है, तो क्लीशे, आपको एक बता दूँ, रिपीटेशन को क्लीशे कहते हैं। जैसे पुराने पिक्चर में क्या होता था कि औरत को बेसहारा दिखाया जाता था, ठीक है, मैं 80s 90s की बात कर रहा हूँ, तो वो क्लीशे चलता गया काफ़ी टाइम तक, फिर वो हट गया, तो उसे कहते हैं क्लीशे। तो एक एडेज की एक वाइस सेइंग मैं आपको बता दूँ, एक जैपनीज प्रोटर्म है कि किसी को मछली दो मत, उसे मछली पकड़ना सिखा दो, तो जब उसे मन करेगा वो खा लेगा, ठीक है। और हमारे यहाँ भी है हिंदी में, जैसे कहते हैं कि अगर किसी को प्यास लग रही है तो उसे कुआं दिखा दो, ठीक है, रादर आप उसे पानी पिलाओ, ताकि जब उसका मन करे वो पानी पी सके। तो ये कुछ ना कुछ वाइस सेइंग है, हर एक कल्चर में होती है, जो कि लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक्विट, एक्विट बेसिकली ये उस सेंस में आता है कि किसी को दोषी नहीं ठहराना, फाइंड दैट पर्सन नॉट गिल्टी, बरी करना, निर्दोष ठहराना, सेट फ्री, क्लियर, रिलीज, रिलीव, एब्सॉल्व का मतलब होता है सेट फ्री,
एग्जोनरेट, लिबरेट, ठीक है, रिप्राइव, अनशैकल, चेनों में था उसे, चेनों को तोड़ दिया गया है, बेड़ियों को तोड़ दिया गया है, सेम वर्ड्स हैं इनके, अनफेटर मतलब जो चेनों में थे उनको बरी हो गए वो, ठीक है, दे फाउंड इनोसेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अवॉइड, ये तो सबको पता ही होगा, टालना जिसे कहते हैं हम, ठीक है, इवेड, प्रोकास्टिनेट मतलब टालना, प्रोकास्टिनेट तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, हम कल को टालते हैं कि कल करेंगे उसे कहते हैं प्रोकास्टिनेट। स्केप, इल्यूड, एब्सटेन, अवर्ट, प्रिवेंट, रिफ्रेन। शिर्क का मतलब होता है अवॉइड, शन का मतलब होता है अवॉइड, ठीक है, लीव ऑफ, क्विट छोड़ देना, डिजिस्ट, रेजिस्ट, ये सब सेम है, सीज, फोर बियर का मतलब होता है होल्ड बैक, ठीक है, या सेकंड थॉट रखना, आप वो चीज़ अवॉइड कर रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं, ऑफुल, भयंकर जिसे कहते हैं हिंदी में, फ्राइटनिंग, ड्रेडफुल, एस्टोनिश, डॉन्टिंग, फॉर्मिडेबल, टेरिबल, स्टार्टलिंग का मतलब होता है टेरिबल, हॉरिफाई, हॉरिबल, अनप्लेजेंट, अपॉलिंग। अब देखो, अगर सपोज हम डी, अभी तो ए चल रहा है, अभी हम डी अल्फ़ाबेट करेंगे ड्रेडफुल, तो ये ड्रेडफुल के ये सारे सिनोनिम्स होंगे, ठीक है, इवन ऑफुल, तो ये सब इंटररिलेटेड है, आगे जाके ये रिपीटेशन होंगी तो आप एज अ रिवाइज तौर पे लेना, और कुछ और वर्ड्स ऐड होंगे तो वो रिविजन में हेल्प करेंगे, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। चलते हैं नेक्स्ट, एप्रीहेंड, किसी को पकड़ लेना, रंगे हाथ पकड़ लेते हैं ना, कैच दैट पर्सन रेड हैंडेड, एक और मतलब होता है इसका, एक होता है अंडरस्टैंड, अब किसी ने आपको, जैसे किसी टीचर ने आपको नॉलेज दी तो आपने उस नॉलेज को पकड़ ली, आपने एप्रीहेंड कर लिया उस नॉलेज को, तो अगेन कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अरेस्ट, कैप्चर, ग्रास्प, टेकन, मेकआउट, मेकआउट मतलब आप डिड्यूस कर रहे हो, अच्छा इसके बाद ये हुआ तो उसके बाद ये हो सकता है, ठीक है, परसीव, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड करके हम क्या करते हैं उसे इंटरप्रेटेट करते हैं, रिकग्नाइज, सी, ग्लीन, कलेक्ट, क्या कलेक्ट हो रही है यहाँ पे नॉलेज, और इसको पकड़ने को भी कहते हैं, ठीक है, पुलिस ने कैदी को पकड़ लिया, एप्रीहेंडेड। चलते नेक्स्ट, ऑडाशियस, ऑडाशियस होता है साहसी, बोल्ड, जो आगे की ना सोचे या सोचे तो उसमें इतना साहस है कि अपने ऊपर आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा है, या हो सकता है वो फुलिश भी हो, ठीक है, ऐसे नाइन भी हो, तो कॉन्टेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पर ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी, बोल्ड, इम्पूडेंट मतलब होता है एडवेंचरस, ब्रेव, करेजियस, वेलियंट, रूड, ठीक है, डेयरिंग, डॉन्टलेस, ठीक है, फियरलेस, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, एब्स्ट्रूस, जो कि हो अनक्लियर, अस्पष्ट, अव्यक्त, ठीक है, जो चीज़ बोली, अब जो चीज़ बोली नहीं जाएगी वो क्लियर कैसे हो जाएगी, तभी तो कहते हैं कि हर एक रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, पेरेंट के बीच में हो, सिबलिंग के बीच में हो, टीचर स्टूडेंट के बीच में हो, एट्सेट्रा। मिस्टीरियस, ठीक है, और मिस्टिकल, ऑब्स्क्योर, कंफ्यूजिंग, ओपेक, नॉट ट्रांसपेरेंट, परप्लेक्स, कंफ्यूजिंग, पजलिंग, अगेन जो समझ में ना आए उसे कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, वेग, अगेन नॉट क्लियर, क्रिप्टिक, जिसको आगे डिड्यूस करना पड़े, एम्बिगुअस, दो तरफी बातें, इक्विवोकल, ठीक है, दोनों तरफ बातें करना, हमने ये पीछे कर रखा है, इनडिस्टिंक्ट, जो कि क्लियर ना हो, ठीक है, मॉर्फस कोड भी होता है, क्या होता है, सीक्रेट लैंग्वेज, तो उसको वो क्लियर नहीं है, सीक्रेट लैंग्वेज है, एब्स्ट्रूस। चलते नेक्स्ट, एब्जॉर्ब, अगेन ये तो सिंपल है ही, सोखना, सोख, एसिमिलेट, डाइजेस्ट,
हमारी बॉडी ने फूड को क्या कर दिया है, सोख लिया है। डाइजेस्ट, डिवोर का मतलब होता है कंज्यूम, इनग्रॉस, इनथ्रेल, इनगल्फ, होल्ड, इमर्स, सबमर्ज। चलते हैं नेक्स्ट, एबंडेंट, बहुत सारा, बहुत, ठीक है, एम्पल, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, लार्ज, ग्रेट, ह्यूज, कॉपियस, लेविश, प्रोफ्यूज, टीमिंग, रिच, ओवरफ्लोइंग। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, एफ्लुएंट मतलब होता है धनी। आप पीछे वाले सिनोनिम्स भी इसमें ऐड कर सकते हो क्योंकि वो भी था, ठीक है, इसका मतलब भी है रिच, वेल्दी, कॉपियस, प्रॉस्पर्स, ओपुलेंट, सम्प्टुअस, प्लश, वेल ऑफ, लोडेड, मनीड, वेल फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते, एबरेशन मतलब होता है इरेगुलरिटी, नियमहीनता, एनोमली, डिल्यूजन, इल्यूजन, डेविएशन, डाइवर्जेंस, इसेंट्रिसिटी, फ्रीक, हेलुसिनेशन, लैप्स, ओडिटी, पेक्यूलियर, क्वर्क, फ्लूक। देखो ये न्यू वर्ड है, फ्लूक मतलब होता है ऐसे, कहते हैं ना आप अच्छे नंबर ले आए, कैसे, लक से, पेपर इजी आ गया, एक्सीडेंट से, मतलब एक्सीडेंट इन द सेंस तुक्के से जैसे कहते हैं हम, उसे कहते हैं फ्लूक। वॉन्डरिंग मतलब होता है घूमना इधर उधर, तो ये सब इसके हैं सिनोनिम्स। नेक्स्ट चलते हैं, एट्रोसिटी क्रूरता, जुल्म जिसे कहते हैं, हॉरिबल, हीनियस, बारबैरिटी मतलब ये जंगली के तौर पे आता है, ठीक है, ये जंगली के तौर पे आता है उसे कहते हैं बारबैरिटी, आउटरेज, वाइलनेस, ओडियस, एबरेंट, इनोमिटी, निफेरियस का मतलब होता है जो कि मॉरल नहीं है, एथिकल नहीं है, उसे कहते हैं निफेरियस, और जो कि मॉरल है वो क्या है, विकेड, जुल्म होना। नेक्स्ट चलते, एनेक्स, एनेक्स का मतलब होता है एक्सटेंशन, जोड़ना, ठीक है, तो कनेक्शन हो जाता है ना, जैसे कोई बजट की स्पीच देखता हो तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें, कुछ फंड एलोकेशन होते हैं, वो कहते हैं ये एनेक्शर में मौजूद हैं, आप उन्हें बाद में रेफ़र कर लें, तो मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, वो एड ऑन होता है, टैग ऑन होता है, अपेंड, सप्लीमेंट्री, इनकॉर्पोरेट, एक्वायर, अप्रोप्रिएट, अटैच, एडजॉइन, एडिशन, मतलब जो चीज़ आपको कंप्लीट पिक्चर दे उसे आप कह सकते हो कि वो एक्सटेंशन है। चलते हैं अलाय, नेक्स्ट वर्ड है अलाय, अलाय का मतलब होता है मित्र, फ्रेंड, हेल्पर, सपोर्टर, एफिलिएट। अब एफिलिएट क्या है, ऐसे CBSE है दिल्ली में, ठीक है, अब बहुत सारे स्कूल्स क्या हैं, एफिलिएटेड हैं CBSE से, मतलब कोलैबोरेट हैं, उसके अलाय हैं, फिर वो आगे बच्चों को मान्यता प्राप्त देते हैं, ठीक है, एसोसिएट जुड़े हुए हैं, सेम है, कन्फेडरेट, फ्रेटनाइज, ब्रदरहुड जिसे कहते हैं, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, मैरी, टीम अप, तो ये क्या हो गया अलाय, जो आपके सपोर्टर हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, एलियन तो सब कोई पता होगा, बट इसके शेड्स देखते हैं हम, ठीक है, कितने तरह के हो सकते हैं, विदेशी, स्ट्रेंजर, अननोन, अनआइडेंटिफाइड, एक्सर्ट्स, अपोजिंग, आउटलैंडिश, हमारे लैंड का नहीं है, क्या है, फॉरनर है। अब इमिग्रेंट और इमिग्रांट, इन दोनों का मतलब है जो चीज़ अननोन है, अब इसका रियल मीनिंग बताते हैं आपको और याद करने का सरल तरीका बताते हैं, एमिग्रेंट का मतलब होता है जो आपके, जैसे इंडिया से बाहर जा रहा है तो वो इंडिया को क्या कर गया, एग्ज़िट, ई से एग्ज़िट, और कहाँ चला गया, बाहर, सपोज़ US, तो वो इंडिया क्या हो गया, एमिग्रेंट, इंडिया से एग्ज़िट कर गया है। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, आए का मतलब होता है इन, अब इंडिया में आया है, जैसे बाहर से इंडिया में आने को उस व्यक्ति को कहते हैं इमिग्रेंट, ठीक है,
ऐसे याद रखना है इसको, कभी नहीं बोलोगे। ई से एग्जिट कर गया है उसे कहते हैं एमिग्रेंट, इन मतलब आ गया है उसे कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक है जी, अब आज के 20 यानी के 200 वर्ड्स आपने कर लिए हैं। हंसते खेलते मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।